From Delhi, the MP, Meenakshi Lekhi, is a minister now, and my colleague Kamaljeet Sandhu is currently talking to her. Let's listen in. Natije kuch aur hote, chahe wo city planning ki baat ho, ya mantralayon ki baat ho, ya toilets ki baat ho. हर चीज के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं. यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है. जो विदेश मंत्रालय, अगर हम उसकी भी बात करें, काफ़ी कुछ हो रहा है, तालिबान से बात करें या फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, पर एक बात है कि ऐसा लगता है कि भारत की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हिट हो रही है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल की जैसे चर्चा चल रही है, आप इसको कैसे डिस्पेल करेंगे? देखिए, ये सब तो प्रोपेगेंडा है और बैड प्रोपेगेंडा कैन ओनली बी बीटन बाय गुड आइडियाज एंड शेयरिंग ऑफ गुड आइडियाज. टेलिंग पीपल व्हाट द ट्रूथ इज, व्हाट द रियलिटी इज. द फैक्ट इज कि कोविड को लेकर भारत ने जितना काम किया है, जो लोग भारत पे उंगली उठा रहे हैं, शायद उनके अपने देश की जो स्थिति है वो इससे खराब थी. जहाँ तक अन्य विषय हैं, अन्य विषयों में भी अगर आप अथॉरिटेरियन रूल की बात करते तो इमरजेंसी हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई थी और आज जो विदेशी मीडिया है वो उन्हीं कांग्रेसियों के साथ खड़ा हुआ है और जिसके अंदर परिवारवाद की राजनीति होती है वो दूसरी पार्टी को, जो कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, उसको अथॉरिटेरियन बता रहा है. तो ये तो बैड प्रोपेगेंडा को डिस्पेल करने वाली बात है विद गुड आइडियाज एंड आइडियोलॉजी. तो इसे कैबिनेट रीशफल ही नहीं कहा रहा है, इसको एक ओवरहॉल किया बोला जा रहा है. 20% जो हैं पुराने मंत्री ड्रॉप किए गए हैं, नए चेहरे लाए गए हैं. आप काफ़ी पुरानी हैं पॉलिटिक्स में, दिल्ली पॉलिटिक्स में भी प्रोमिनेंट फेस हैं, लेकिन सिर्फ 11 महिलाएं हैं 77 जो टोटल कैबिनेट है उसमें. 11 महिलाएं पहले कब थी 11 महिलाएं मंत्री, वो भी आंकड़ा निकालिए आप. तो 11 महिलाओं को एंटर करवाया है और उसके अलावा चाहे आर्मी की बात हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस की बात हो, सबके अंदर विमेन को पोजीशनिंग की गई है. ये फ्रॉम दिल्ली पॉलिटिक्स टू अ लॉयर एंड नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज फॉर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल्सो कल्चर. सो डेफिनेटली अ राइज देयर फॉर मीनाक्षी लेखी. सेज बैड प्रोपेगेंडा कैन बी बीटन विद गुड आइडियाज ऑफ दिस.